कई परिवारों में घरों में दादी नानी, माँ, बड़ी बहन और अन्य महिलाएं लड़कियों को माहवारी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर देती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी ऐसे कई परिवार हैं जहाँ इस बारे में कभी कोई बात नहीं होती। बच्चियों को कुछ समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उनके सवालों का समाधान नहीं मिलता और यहीं से माहवारी के बारे में गलत फहमियों की शुरुआत होती है। एक जैविकीय प्रक्रिया होने के बावजूद मासिक धर्म के रक्त को अशुद्ध माना जाता है और मासिक धर्म के दौरान किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को पूजा, रसोई और अन्य स्थानों में जाने से मना किया जाता है। यही नहीं, सही जानकारी के अभाव में मासिक धर्म वाले दिनों में कई किशोरी बालिकाएं स्कूल जाना भी छोड़ देती हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। आज विज्ञान ने इन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है और हमें ये बताया है कि मासिक धर्म पूरी तरह से एक सामान्य और स्वस्थ जैविकीय प्रक्रिया है। इसलिए जरूरी है कि आप भी इस बारे में पूरी जानकारी लें और भ्रांतियों को दूर करें। माहवारी एक जैविकीय प्रक्रिया है। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत आमतौर पर 10 से 13 साल में शुरू होती है। हर लड़की में ये अलग अलग समय पर शुरू होती है। हर महीने किशोरियों का अंडकोश गर्भ ठहरने के लिए एक अंडा तैयार करता है। बच्चेदानी की भीतरी परत भी इसके लिए तैयार रहती है। लेकिन जब शुक्राणु से अंडे का मेल नहीं होता तो लड़की का अंडा और बच्चेदानी की भीतरी परत दोनों माहवारी के रूप में शरीर से बाहर आ जाते हैं। हर लड़की में इसके होने का समय अलग अलग होता है। किसी में 3 दिन तो किसी में 7 दिन तक ये स्राव हो सकता है। एक माहवारी के पहले दिन से अगली माहवारी के पहले दिन के बीच के समय को एक मासिक चक्र के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह 28 दिनों के लिए रहता है, लेकिन ये हर लड़की में अलग अलग हो सकता है। ये 22 से 45 दिन का भी हो सकता है, जिसमें चिंता की कोई बात नहीं। एक बात और, शुरू के 2-3 साल तक माहवारी अनियमित हो सकती है, कुछ सालों बाद ये नियमित हो जाता है। 16 वर्ष तक अगर किसी लड़की को माहवारी नहीं शुरू हुई है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मासिक के दौरान दर्द होना, जी मिचलाना या मरोड़ उठना आम बात है। ऐसे में गर्म पानी की सिकाई से आराम मिलता है। कई बार ज्यादा बहाव होने के कारण लड़कियों को ज्यादा दर्द भी हो सकता है। यदि ज्यादा बहाव, दर्द या थकान हो तो तुरंत ANM बहनजी या स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। माहवारी के साथ ही लड़कियों के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वजन बढ़ता है, स्तनों का आकार बढ़ता है। हाँ, एक बात और, सब लड़कियों में शारीरिक बदलाव एक जैसे और एक ही समय पर नहीं होते हैं। माहवारी के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित सैनिटरी समाधान सैनिटरी नैपकिन ही है। यही नहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की पहल से अब आंगनवाड़ी केंद्रों, कन्या छात्रावासों में सैनिटरी पैड के विक्रय के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं, जहां से कोई भी बालिका या महिला सैनिटरी पैड खरीद सकती हैं। आज कस्बों और शहरों, लगभग सभी फार्मेसियों और जनरल स्टोर में विभिन्न कंपनियों के सैनिटरी पैड विभिन्न साइजों में उपलब्ध हैं। कई स्वयं सहायता समूह भी कम दाम पर अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड तैयार कर विक्रय कर रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में उदिता पाउडर बनाए गए हैं, जहां सैनिटरी नैपकिंस और IFA की गोलियां आदि उपलब्ध होती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सैनिटरी नैपकिंस का डिपो होल्डर बनाया गया है। उदिता कॉर्नर में हम सैनिटरी नैपकिन किशोरी बालिकाओं को उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो सहज तरीके से अपनेपन के वातावरण में बिना संकोच के आकर ले सकें और माहवारी से जुड़ी जानकारियां भ्रांतियों को दूर कर सकें। यूज एंड थ्रो किस्म के होने के कारण एक नैपकिन का उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। इसे नदी, तालाब, नाली या शौचालय में ना फेंकें।
ये नदी तालाब के पानी को गंदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पैड को एक अखबार में लपेटकर इसे जला दें। लेकिन यदि किसी कारण से सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं है तो आप इसके स्थान पर एक साफ सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं। मासिक धर्म प्रवाह के आधार पर समय समय पर इस सूती कपड़े को लगभग हर 4 से 8 घंटों में बदलते रहना चाहिए। यदि इन कपड़ों का पुनः उपयोग किया जाना हो तो इन्हें साफ गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोकर सीधे तेज धूप में ही सुखाना चाहिए। गंदा और नमी भरा कपड़ा उपयोग में लेने पर जलन, सूजन और संक्रमण हो सकता है। ये तो हुई बात मासिक धर्म के सुरक्षित प्रबंधन की, और आइए अब हम जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान हमें और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसीलिए बनी है ताकि जो कमी हो गई आयरन की आपके शरीर में, इसकी ये पूर्ति कर सके। अब तो आपने ये जान ही लिया है कि महावारी क्या होती है, हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए। आप स्कूल जा सकती हैं, घर के सभी काम कर सकती हैं और आप खेल भी सकती हैं। तो आपने तो ये पूरी जानकारी ले ली, अब आप अपनी सहेलियों और आसपास की महिलाओं को भी महावारी के बारे में ये पूरी जानकारी जरूर दें। सबको बताएं कि महावारी के बारे में खुलकर बात करना ही इसकी जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा विकल्प है।